किसी स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने की जानकारी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार छापेमारी होने के बाद फिर यही काम उसी जगह पर होना जरूर एक बड़ी बात है। नोएडा का सेक्टर 61 और सेक्टर 61 के एक मॉल में गुफरान खान का स्पा सेंटर। गुफरान खान के स्पा सेंटर पर 3 साल पहले भी छापेमारी हुई थी, जिसके बाद गुफरान खान ने स्पा सेंटर का नाम बदलकर यही धंधा फिर से चालू कर दिया। नोएडा पुलिस को जब शिकायत मिली तो उन्होंने देखा कि गुफरान खान का स्पा सेंटर अब निर्वाण हो चुका है, लेकिन काम सेम टू सेम है। अंदर देखा तो बियर की खाली बोतलें और भरी बोतलें, आपत्तिजनक वस्तुएं, कुछ कैश और यूज किए हुए और यूज ना किए हुए कॉन्डम मिले हैं। पुलिस खुद स्थिति को देखकर एक बार के लिए हैरान हो गई थी। गुफरान खान ने नाम तो बदल दिया था, लेकिन वो जिस्म फरोशी का धंधा अभी भी कर रहा था। गुफरान खान के इस सेंटर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने 14 लड़कियों समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई फॉरेन मूल की लड़कियां भी बताई जा रही हैं। दैनिक जागरण के अनुसार एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 14 लड़कियां और 9 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गुफरान खान और उसका मैनेजर थे, बाकी 7 लड़के कस्टमर थे। सिंह ने बताया कि जब जांच की गई तब सामने आया कि यहां तो 3 साल पहले भी कार्रवाई की गई थी, जो बाहर से स्पा था और अंदर अवैध धंधा किया जा रहा था।